नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। इसमें आप देख सकते हैं पूरे हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि दिल्ली, पंजाब व आसपास के राज्यों के अंदर जो है कितना जो प्रदूषण का जो वायु की जो गुणवत्ता है कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं भाई पराली जलने का जो काम हरियाणा के अंदर जारी है। दोष देते हैं पंजाब को, यूपी को, दिल्ली को, लेकिन देख सकते हैं भाई हरियाणा के अंदर भी जो है सरकार कोई सख्ती नहीं बरत रही है। देख सकते हैं भाई दिन के अंदर तो कोई जलाता नहीं, रात को जो है सभी किसान पराली जलने लग जाते हैं। आप देख सकते हैं भाई ये पराली जल रही है। यहाँ से मैं गुजर रहा था तो सोचा भाई दर्शकों को बता दूं कि किस प्रकार से यहाँ पर नुकसान पहुँचाया जाए। साथियों आप सोचते होंगे कि इसमें जो है क्या नुकसान है, क्या सरकार का नुकसान है। आप सोचते होंगे हमारा तो नुकसान नहीं है, हम पराली जला देते। साथियों पराली जलाएंगे तो प्रदूषण से किसका नुकसान है? आपके खुद का नुकसान है, आपके खुद के फेफड़ों का नुकसान है। इतना प्रदूषण हवा में हो रखा है कि जैसे कि इंसान ने एक दिन के अंदर 20 सिगरेट पी ली हो, इतना प्रदूषण आज के टाइम हो रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है साथियों कि संदीप नोखवाल या हमारा चैनल HBN 24 न्यूज हम किसानों को सपोर्ट नहीं करते, हम किसानों की निंदा करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि साथियों मैंने स्टडी की है, प्रदूषण तो हजारों वजह से होता है, फैक्ट्रियों की वजह से, गाड़ियों की वजह से, लेकिन सरकार गाड़ियों को बंद करवा चुकी है, स्कूलों की छुट्टी हो चुकी है। भाई इतना प्रदूषण बढ़ रहा है तो स्कूलों की छुट्टी नहीं होती। 10 दिन तक स्कूलों की छुट्टी हरियाणा सरकार के द्वारा NCR के अंदर कर दी गई है। लेकिन ये जो पराली जलाने का मतलब ऐसा नहीं है कि किसानों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मैं सरकार की लापरवाही भी कहना चाहूंगा कि इसमें सरकार की लापरवाही है कि किसानों की पराली को जो है सरकार खरीद कर कंपनियों को नहीं बेचती, और खुद किसान अगर लेके जाए तो उनका जो है कीमत जो वसूल होती है उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। इस कारण जो है किसानों को काफ़ी असुविधाओं का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन किसान जो है पराली को इकट्ठा करके जो है जैसे कि इकट्ठा करके दबा सकते हैं या वन बिजाई करके खाद भी पराली की बना सकते हैं, फैक्ट्री को बेच भी सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि किसानों को दूसरा ऑप्शन ढूंढना चाहिए, क्योंकि साथियों इससे सरकार का भी नुकसान नहीं है, मंत्रियों का नुकसान भी नहीं है। मंत्रियां तो जो है RO का पानी पी लेंगे, बढ़िया पानी पी लेंगे, जो है वैक्यूम से हवा को फिल्टर करके सांस ले लेंगे, लेकिन गरीब कैसे सांस ले पाएगा ऐसे वातावरण में। इससे आपने देखा होगा कि कैंसर, हजारों बीमारियां जो है वायु प्रदूषण से फैलती है, और वायु प्रदूषण जो है गाड़ियों के साथ साथ फैक्ट्रियों के साथ साथ वायु प्रदूषण जो पराली से बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा फैलता है। आपने आपके आसपास की हवा भी देखी होगी कि कितना सांस लेना जो बदतर हो रखा है। तो बस मैं यही कहना किसान भाइयों से अपील ही करना चाहूँगा कि पराली को जितना हो सके उतना आप वन बिजाई करवा के खाद बना लें, ना कि आप जलाएँ, बिल्कुल भी ना जलाएँ। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसका, और किसान भाइयों को मेरा सपोर्ट रहेगा। और बस मैं छोटी सी अपील करूंगा कि किसान भाई पराली को ना जलाएं।